आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं किस तरह से हम क्रिएट करते हैं बॉर्डर्स को सीएसएस में। तो आज कुछ इस तरह के बॉर्डर्स हम क्रिएट करने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगा किस तरह से एक बेसिक बॉर्डर हम क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से हम बॉर्डर को कलर दे सकते हैं, किस तरह से हम बॉर्डर के जो एजेस हैं उनको कर्व कर सकते हैं, यानी कि सर्कल में हम एक बॉर्डर कैसे बना सकते हैं, ओके, किस तरह से हम बैकग्राउंड कलर्स दे सकते हैं बॉर्डर्स में, ओके, और किस तरह से हम एक एज को कर्व दे सकते हैं और दूसरे को बिना कर्व के बना सकते हैं, ओके, बॉर्डर्स के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में सीखेंगे। और आप अलग अलग टाइप्स के बॉर्डर्स को भी बना सकते हैं, वो चीज़ें डिपेंड करती हैं फिर आपकी क्रिएटिविटी में। सबसे पहले सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि आपको बेसिक आए, ओके, उसके बाद आपके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है कि आप किस तरह से सोचते हैं, आप क्या क्रिएट करना चाहते हैं, फिर आपको वो खुद ही करना पड़ता है, आपको नहीं ज़रूरत पड़ती किसी और की कुछ और सीखने के लिए। अगर आपको बेसिक आ जाता है तो मैं आपको बेसिक भी बताऊंगा और थोड़े बहुत इस तरह के डिज़ाइन बनाकर भी दिखाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, लेट्स स्टार्ट द वीडियो, ओके। सबसे पहले तो एक एम्प्टी पेज से हम स्टार्ट करेंगे, ओके, तो बिल्कुल न्यू फाइल से बनाऊंगा मैं, ओके, और एक्सटर्नली मैं लिंक करवाऊंगा सीएसएस को, ओके, एक्सटर्नली। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, H1 टैग को मैं डिक्लेयर कर देता हूँ, H1 टैग को मैं बॉर्डर दूंगा यहाँ पे, और इसे क्लास दे देते हैं यहाँ पे, क्लास मैं दूंगा इसको, क्लास का नेम मैंने लिख दिया sample1, ओके, और अंदर टेक्स्ट लिख दिया मैंने हेलो वर्ल्ड, ओके। अब आपको अगर नहीं पता लग रहा कि क्लास क्या है, ये क्या हो रहा है, तो मुझे लग गया पता कि आपने बाकी की क्लासेस नहीं देखे हैं, मतलब कि आपको बेसिक नहीं आता BCSS का, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले बेसिक सीख लो, उसके बाद बॉर्डर वगैरह सीख लेना, ओके। तो स्टार्ट करते हैं, अब मैं इसे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, तो मैंने चार बार इसे कॉपी पेस्ट किया, और क्लास का नेम यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, इसे sample2 कर देता हूँ, इसे sample3 कर देता हूँ, इसको मैं sample4 कर देता हूँ, कंट्रोल एस रिफ्रेश, और ये आ गई आउटपुट हमारे पास हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड। अब CSS में जाके यहाँ पे एक्सटर्नल फाइल में हम एडिट करेंगे। तो सबसे पहले क्लास इसको करते हैं sample1 वाली क्लास को, तो यहाँ पे लिखते हैं .sample-1 curly braces। अब इसके अंदर आएगा हमारा CSS का कोड, ओके। तो सबसे पहले बॉर्डर क्रिएट करना है, अगर बेसिक बॉर्डर क्रिएट करना है तो वहां पे यूज होती है बॉर्डर प्रॉपर्टी, ओके। बॉर्डर लिखेंगे हम, कॉलम लगाएंगे और उसके अंदर लिखेंगे हम सॉलिड वैल्यू, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट होती है, हमारे पास एक सॉलिड वैल्यू है, ओके। अब रिफ्रेश करता हूँ तो सॉलिड वैल्यू में कुछ इस तरह का बॉक्स आपके पास बन के आएगा, ओके, सिंपल सी लाइन एक बन के आएगी आपके पास बेसिकली, ओके, अगर आप सॉलिड बॉर्डर क्रिएट करते हैं तो, ओके। अगर आप सॉलिड की जो अगर डॉटेड लिखते हैं तो आपका बॉर्डर डॉट डॉट्स में बन के आएगा, रिफ्रेश, और ये देखिए बॉर्डर आपका डॉट डॉट पे बन के आया। अगर मैं डॉट डॉट की जगह इनसेट लिखता हूँ तो जो ऊपर के हमारा बॉर्डर है, ऊपर वाली लाइन और जो लेफ्ट वाली लाइन है वो थोड़ी डार्क आई, रिफ्रेश, और देखिए वो थोड़ी डार्क आई और नीचे वाली थोड़ी फेड्स दी आई, ओके। अगर मैं आउटसेट लिखता हूँ तो आउटसेट में बिल्कुल उल्टा होगा, आउटसेट में क्या होगा, नीचे वाली लाइन्स हमारी डार्क आएंगी, ऊपर वाली फेड आएंगी, रिफ्रेश, और ये देखिए किस तरह से फेड आई। तो इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के बटन बना सकते हैं सिंपल से कोड की मदद से, ओके। एक और चीज़ मैं आपको बॉर्डर में बताऊंगा कि आप एक ही लाइन में बहुत सारी वैल्यू दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सॉलिड बॉर्डर को क्रिएट कर रहे हैं, ओके, और मैं चाहता हूँ कि उसकी विड्थ थोड़ी बड़ी हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सॉलिड के आगे ही लिख सकता हूँ 10 पिक्सल, मतलब कि मैं इसकी विड्थ देना चाहता हूँ 10 पिक्सल, रिफ्रेश, सॉरी सेव, अब रिफ्रेश, और देखिए यहाँ पे सॉलिड बॉर्डर बन के आया हमारे पास और इसकी विड्थ आई 10 पिक्सल, और ब्लैक कलर जो है ये डिफॉल्ट कलर है इसका, ओके। और फिर उसके आगे भी मैं एक और प्रॉपर्टी दे सकता हूँ कलर की, सॉरी मतलब की वैल्यू दे सकता हूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल मैं रेड लिख सकता हूँ 10 पिक्सल के आगे यहाँ पे रेड, ओके। अब हमारे पास बॉर्डर आएगा, यही सब कुछ होगा, बस बॉर्डर का कलर रेड हो जाएगा, रिफ्रेश, ओके, और ये रेड कलर का हो गया। आप चाहें तो वैल्यूज को आगे पीछे भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं रेड को पहले लिख दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही चीज रहेगी, ओके, सेम चीज है। तो इस तरह से आप एक बेसिक बॉर्डर इजिली क्रिएट कर सकते हैं सीएसएस में, ओके। तो मैं फिलहाल इसको सॉलिड रखता हूँ, तो ये है हमारे पास एक बेसिक बॉर्डर, ओके। अब sample2 सीखते हैं, sample2 में कुछ और सीखते हैं, sample2 कर्ली ब्रशेज, और यहाँ पे सबसे पहले हम बॉर्डर क्रिएट करेंगे। बॉर्डर क्रिएट करने के लिए बॉर्डर प्रॉपर्टी यूज होती है, वैल्यूज को दे देंगे हम सॉलिड, ओके,
कंट्रोल एस रिफ्रेश, एक और बॉर्डर बन गया। अब मैं आपको इसमें बताऊंगा किस तरह से हम कर्व एजेस बना सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख रहे हैं बॉर्डर में ये बिल्कुल स्क्वायर बॉर्डर है। ओके, तो हम क्या चाहते हैं इसमें कर्व आए, थोड़ा सा ये थोड़ा सर्कल में बने, तो वो कैसे करना है बहुत ईजी है। आपको एक प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा जिसका नाम है बॉर्डर रेडियस। तो हम लिखेंगे बॉर्डर हाइफन रेडियस। ओके, और यहाँ पे वैल्यू दे देंगे 30 पिक्सल या जितनी भी आप चाहें। अब रिफ्रेश और देखिए हमारे पास एक कर्व जैसा बन के आ गया बॉर्डर्स में। तो ये कर्व बनाते हैं हम यूजिंग बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी। ओके, आप चाहे तो किसी पर्टिकुलर कॉर्नर को भी रेडियस दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं लिखूँ बॉर्डर रेडियस, ओके, तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर्टी आई बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस। इसका मतलब है कि जो हमारा बॉर्डर है उसके बॉटम में जो लेफ्ट है, ओके, जैसे कि यहाँ पे ये हमारा बॉर्डर है, ओके, बॉर्डर के बॉटम में मतलब ये नीचे वाली लाइन और इसका जो लेफ्ट एज है मतलब कि ये वाला एज, ओके, यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं रेडियस दे रहे हैं। इसी हिस्से में सिर्फ रेडियस पड़ेगा, बाकी किसी भी एजिस में रेडियस नहीं पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे 30 पिक्सल मैंने वैल्यू दी है। ओके, अब रिफ्रेश करेंगे तो ये वाला जो एज है इसमें एडिट होएगा। तो देख सकते हैं आप नीचे ही सिर्फ रेडियस बन के आया। अगर मैं चाहता हूँ कि इस वाले हिस्से पे मैं रेडियस दूँ, इसको मैं कर्वी बनाऊँ जो कि हमारा टॉप राइट है। ओके, टॉप राइट, तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे बॉर्डर, ओके, टॉप राइट रेडियस। ओके, तो यहाँ पे भी मैं 30 पिक्सल दे दूंगा और रिफ्रेश और देखिए ऊपर क्या हुआ, वहां पे ये कर्व जैसा आ गया। तो इस तरह से हम कर्व भी बना सकते हैं अपने बॉर्डर्स को। ओके, और आप चाहें बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। बैकग्राउंड कलर देना कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले मैं टेक्स्ट को अलाइन कर लेता हूँ सेंटर में। ओके, सेंटर में टेक्स्ट को ले आते हैं, तो सेंटर में आ गया टेक्स्ट। अब बैकग्राउंड कलर लिखेंगे हम सिंपली। ओके, बॉर्डर बैकग्राउंड कलर कोई चीज नहीं होती, आपको सिर्फ बैकग्राउंड कलर देना है अपने एलिमेंट को। ओके, तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम रेड लिखते हैं। ओके, और रिफ्रेश और देखिए बैकग्राउंड कलर आ गया रेड में हमारे पास। ओके, अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर आप जैसे ही कर्सर लेके आए और उसके बाद इसका कलर कुछ और हो जाए तो आप उसको कर सकते हैं बाय हॉवर इफेक्ट। तो हॉवर इफेक्ट बहुत सिंपल है, आपको लिखना है डॉट सैम्पल टू। ओके, और उसके आगे लिखना है कॉलम होवर कर्ली ब्रेसेस। अब आपको इसका उल्टा करना है, बैकग्राउंड कलर को कॉपी कर लो, यहाँ पे पेस्ट कर लो। रेड की जगह हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे लिख देते हैं ग्रीन। ओके, ग्रीन लिख दिया, रिफ्रेश। ओके, जैसे ही मैं कर्सर लेके आऊंगा इसके ऊपर इसका कलर ग्रीन हो जाएगा। देखिए जब हटा रहा हूँ तो क्या हो रहा है। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं। बाकी हमारे पास ट्रांजिशन है। ओके, ट्रांजिशन की मदद से हम ये सारी चीजों को लेट कर सकते हैं, मतलब टाइम लगेगा अब ग्रीन कलर आने में। रिफ्रेश और देखिए 1 2 3 3 सेकेंड लगे उसे ग्रीन होने में। ओके, तो ये सारी चीजें आप बाय यूजिंग CSS एनिमेशन ट्रांजिशन इनकी मदद से कर सकते हैं। ये कंसेप्ट कुछ और है, इसको बाद में सीखेंगे। ओके, तो अभी सिर्फ बॉर्डर सीख रहे हैं। तो इस तरह से आप कर्वी बॉर्डर्स को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, और सैंपल नंबर 3 में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप बैकग्राउंड का यूज कर सकते हैं बॉर्डर्स में। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बॉर्डर और इसको बनाएंगे हम डॉटेड बॉर्डर, बना लेते हैं इस बार डॉटेड बॉर्डर। ओके, और रिफ्रेश, ये देखिए डॉटेड बॉर्डर बन गया। ओके, अब आप चाहें तो डिफरेंट बैकग्राउंड का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड कलर आप यूज कर सकते हैं, बैकग्राउंड इमेज भी यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे बैकग्राउंड का यूज करेंगे और लिखेंगे लीनियर ग्रेडियंट और ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे हम टू राइट। ओके, टू राइट, और कलर दे देते हैं इसको रेड एंड रॉयल ब्लू। लास्ट में सेमीकॉलम, रिफ्रेश और देखिए किस तरह का जो है हमारे पास ये अच्छा सा एक बॉर्डर टाइप बन चुका है। डॉटेड में अच्छा नहीं लग रहा है, ये अच्छा लगेगा शायद सॉलिड में या फिर इनसेट में अच्छा लगेगा ये। ओके, तो कुछ इस तरह का हमने ये बना दिया बॉर्डर, बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी सिंपल सा है। ओके, और यहाँ पे क्या क्या किया था हमने, तो बेसिकली हमने सब कुछ सीख लिया ऑलमोस्ट। ओके, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि हम किसी पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर जो बॉर्डर है, बॉर्डर की लाइन, चाहे वो टॉप लाइन हो चाहे लेफ्ट लाइन हो, उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं सैंपल फोर को डिज़ाइन करते हैं, सैंपल फोर कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पे बॉर्डर मैं इसको दे दूंगा सॉलिड। ओके, अब यहाँ पे मैं बॉर्डर, ओके, टॉप
कलर, टॉप कलर की मदद से, इस प्रॉपर्टी की मदद से मैं जो बॉर्डर का टॉप लाइन है इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं रेड लिखूं, ओके, तो रिफ्रेश करूं तो आप देख सकते हैं ऊपर की लाइन रेड आई, बाकी सारी लाइनें ब्लैक ब्लैक हैं। अब मैं चाहूं तो बॉटम कलर को भी किसी और कलर में चेंज कर सकता हूं, तो मुझे लिखना पड़ेगा बॉर्डर बॉटम हाइफन कलर, ओके, और यहाँ पे मैं कलर का नेम लिख देता हूँ ग्रीन, और रिफ्रेश, नीचे वाला बॉर्डर बन गया ग्रीन। और आप चाहें तो लेफ्ट राइट को भी यही सेम चीज़ कर सकते हैं, अगर मैं बॉर्डर की जगह बॉटम की जगह लेफ्ट लिखूं तो लेफ्ट में जो है ग्रीन कलर चला जाएगा, लेफ्ट में चला गया, ओके। अगर मैं टॉप की जगह राइट लिखूं तो राइट में जो है रेड कलर चला जाएगा, राइट में वो रेड कलर चला गया, ओके। अगर आपको बॉर्डर का ही कलर चेंज करना है सिर्फ, ओके, ये एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास जिसका नाम है बॉर्डर कलर, ओके, बॉर्डर कलर, इसकी मदद से आप पूरे बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हैं। और ये देखिए चेंज हो गया, ओके। आप चाहें तो बॉक्स शेडो का यूज कर सकते हैं, बॉक्स शेडो, तो यहाँ पे आपको कलर देना पड़ेगा अपने शेडो को, जो भी कलर आप देना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको शेडो का विड्थ हाइट वगैरह सेट करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपकी शेडो बन जाएगी येलो कलर की शेडो, मैंने बताई। ये कंसेप्ट भी अलग है, ओके, तो इसको हम बाद में सीखेंगे। एक और शायद वैल्यू यूज होती है हमारे पास स्प्रेड करने के लिए शेड को, हाँ, तो स्प्रेड करने के लिए एक और वैल्यू यूज होती थी हमारे पास। तो इस अब देखिए किस तरह का स्प्रेड हो चुका है वो हमारे पास बॉक्स का शेडो, ओके। तो इस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट बॉक्सेस, ओके। तो आपको क्रिएटिव होना कैसे है इसमें, तो क्रिएटिव होना बहुत इजी है, आपको बेसिक चीज आनी चाहिए। सबसे पहले बॉर्डर कैसे क्रिएट करते हैं वो आपको आ गई। अब हमारे पास सीएसएस में थोड़े ना सिर्फ बॉर्डर प्रॉपर्टी हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। आपको वही सारी प्रॉपर्टीज को एक साथ कंबाइन करना पड़ता है, उसी के बाद क्रिएटिविटी आती है आपके वर्क में, ओके, आपके वेब पेज में जो भी आप बनाएंगे तभी वो थोड़ा क्रिएटिव होगा, आप तभी क्रिएटिव वर्क कर पाएंगे जब आप डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज को एक साथ जोड़ेंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज को एक साथ लेके आइए और फिर उसमें काम कीजिए, तो वो काफी अच्छा रहेगा आपके लिए, और आप सीखेंगे भी और आपका काम जो है थोड़ा क्रिएटिव भी होगा, ओके। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आई होप आपको समझ आया हो, ओके। अगर नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ओके। अगर कोई क्वेश्चन हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय, टेक केयर।